हेलो सी फेयरर्स, दिस इज शुभांशु एंड यू आर वॉचिंग कप्तान चौहान। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वाली जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो है। काफ़ी एक दो महीने से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए कि कैसे एक ऑयल टैंकर पे, कैसे एक टैंकर पे रिफिलिंग होती है, कैसे एंकरेज पे शिप पे रिफिलिंग होती है। सो देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो है। एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है लोडिंग, ऑयल लोडिंग। हम लोग यहाँ पे इसको SBM बोलते हैं। ये सी में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से टर्मिनल है नीचे पानी में। टर्मिनल से ये देखो, ये पाइप जा रही है। ये देखिए, ये पाइप आपको दिखेगी। ये दो तीन मोटी मोटी पाइपें हैं। ये पाइपें इस तरह से शिप में, ये देखिए, क्रेन से हमने ऊपर ली है एक एक करके। ये शिप स्क्रू इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग शोर से इसको पंप इन करेंगे। हम हमारे कार्गो टैंक्स में इनको लोड करेंगे। देन हम लोग इनको कैरी करेंगे। हम लोग यहाँ पे अंगोला में हैं और अंगोला में काफ़ी एक्सपोर्ट होता है ऑयल का। और यहाँ से फिर हम लोग इसको इंडोनेशिया में जाएंगे लेके। यहाँ से इंडोनेशिया के 21 डेज लगते हैं एट द 13 नॉट स्पीड। इस तरह से ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल होता है। यहाँ वहाँ पे जाके रिफाइनरी में ये रिफाइन होगा। दिस बोट्स, ये बोट सपोर्ट कर रही है। साइड में ये देखिए, ये छोटी सी बोट, वो क्रेन के आगे जो खड़ी हुई है बोट है। शिप में दो क्रेने हैं, एक इस तरफ पोर्ट साइड और एक क्रेन ये इधर स्टार्बर्ड साइड, जो सिक्योर्ड है। वो अभी आपको ऐसे हैंगिंग कंडीशन में नहीं दिखाई दे रही होगी, फिर भी ये देखिए, ये स्टार्बर्ड साइड में, राइट हैंड साइड को स्टार्बर्ड साइड बोलते हैं, ये क्रेन है। ये सामने देखिए, और ये सब पाइपलाइंस हैं जिससे हम लोग टैंक में ऑयल को लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। ये सब लाइंस हैं, वो वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग पाइपों को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट साइड में भी है और स्टार्बर्ड साइड में भी है। पोर्ट साइड बोलेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की तरफ, और स्टार्बर्ड साइड बोलेंगे तो राइट हैंड साइड दाहिने हाथ की तरफ। ये देखिए, धीरे धीरे हम लोग इसको पाइप को क्रेन से लोअर कर रहे हैं। ये देखिए, अभी पाइप लोअर हो रहा है। धीरे धीरे लोअर करके इसको हम लोग उधर कनेक्ट करेंगे। मतलब एक पाइप को सिप्स पाइप के साथ में हम लोग जोड़ देंगे, उसको कनेक्ट करना बोलते हैं। बहुत भारी पाइप है, इसलिए ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे डू दैट। ये देखिए, ये पाइप नीचे लोअर हो गया है। ये देखिए, एक पाइप पहले बहुत हैंगिंग पोजिशन में था, ये देखिए एक पाइप नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैं एक थोड़ा डिस्टेंस से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वीडियो से जो फ्लैश जाती है उसे फायर लग सकती है। सो सेफ्टी व्यू से हम लोग जो है किसी को भी ये सब बनाने के अलाउ नहीं करते हैं। दिस इज एन ऑफेंस। सीधा जेल में जाते हैं, और सिर्फ भी फायर की वजह से ब्लास्ट हो सकता है। देयर इज ए वेरी स्मॉल स्पार्क कैन ब्लास्ट द फुल वेसल। दैट्स वाई दिस वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। इसलिए दिस वीडियो इज मेड फ्रॉम ए लिटिल लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखिए, इस तरह से अभी कनेक्ट हो गए। तीन पाइप हमने कनेक्ट किए हैं, और ये तीन पाइप से हम लोग 26 आवर में, द स्पीड इज वेरी हाई, 26 आवर्स में हम लोग बहुत 2 लाख टन ऑयल लोड कर लेंगे।
इस तरह से हम लोग ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, थैंक यू।